को ध्यान में आता है कि 1945 के लगभग जापान भी तबाह हो गया परमाणु बम के अंदर, लेकिन आज जो है वो डेवलपिंग कंट्री में नहीं है, डेवलप कंट्री के अंदर है और 1947 के अंदर हम आजाद हुए। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में आता है कि देश की जो पॉलिसीज देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए थी, जो एक निश्चय कमिटमेंट इस देश को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में वो विल पावर कम रहा, उसके कारण हमारा देश आज भी गरीब देशों की कतार में खड़ा है। और जब से 2014 के अंदर इस देश का मान सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देखा कि इस देश को ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। हर सेक्टर के अंदर कोई भी सेक्टर हो जहां समाज में गरीब लोगों की चिंता करना है, गरीब के लिए योजनाएं बनानी है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश को आगे कैसे लेकर जाना है। पूरी दुनिया के अंदर यदि देश को कंपीट करना है तो हर सेक्टर में हमको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उस देश को आगे ले जाना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट को आगे ले जाना पड़ेगा। उस दिशा से, उस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर योजनाएं बनाना शुरू की। इसलिए हम लोगों ने देखा अभी जिस तरह से लघु वीडियो के अंदर भी हम देख रहे थे और नरेंद्र जी भी उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे, तो ध्यान में आया कि 2014 तक इस देश के अंदर ढाई लाख मेगावाट के लगभग बिजली का उत्पादन इस देश के अंदर हुआ, लेकिन पिछले 2014 से 2022 के कालखंड तक ये प्रोडक्शन भी बढ़कर 4 लाख मेगावाट के लगभग हुआ। और आज जो है देश में हम तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में बिजली का उत्पादन बहुत है, इसलिए हमारे को बिजली ऐसा लगता नहीं है जिस लेवल में देश भर में आज जरूरत के रूप में इसको देखा जाता है। मुझे भी याद है बचपन में, हालांकि किन्नौर में बिजली का जो है गांव, बड़े बड़े गांव में बिजली का कनेक्शन हमारे बचपन के समय में लगभग पहुंच गया था, लेकिन हमारे प्लिंगी गांव में जो है नेशनल हाईवे में रोड होने के बावजूद भी वहां के हमारे स्थानीय लोग बिजली का विरोध करते थे और 89 तक बिजली नहीं लगी वहां पर। और मुझे 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई जो है टेबल लैंप पे करना पड़ा, कभी कभी मिट्टी का तेल खत्म हो जाए तो फिर कैंडल में चला लेते थे। इसलिए उस तरह की स्थिति आज देश भर में यह स्थिति थी कि गांव गांव के अंदर बिजली, यानी कि जिस तरह से हम शुरू शुरू में कहते सुनते थे कि कई लोग पूजा करते थे उसको, कई बार लोग जो है बिजली बुझाना है तो कैसे बुझाना है, जैसे बचपन में झोपड़ी बुझाते थे फूंक मारकर, तो शुरू में जानकारी नहीं थी तो बिजली के बल्ब को भी फूंक मारकर बुझाने का प्रयास किया जाता। तो आज देश के अंदर भी 2015 के बाद भी ऐसी स्थिति थी कि देश में लोगों को बिजली की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब सरकार बनी तो 2018 के अंदर इस देश के अंदर प्रत्येक गांव को बिजली पहुंचाने का काम किया और 18,374 गांव में पूरे देश भर में 100% गांव में बिजली पहुंचाने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने कर लिया था। इसलिए विकास की दृष्टि से बिजली का अपना महत्व है। आज बिजली के बगैर कल्पना नहीं कर सकते हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन इस सेक्टर में बहुत बड़ा लाए, हम सभी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन ग्रिड, ये छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। और यही कारण है कि 1,83,000 के लगभग इस देश के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइनें थी उसको एकीकृत किया गया, उसको एकीकृत करके पूरे भारतवर्ष को
का काम इतने बड़े देश के अंदर, आप कच्छ से लेकर त्रिपुरा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसके अंदर 1,12,000 के लगभग मेगावाट को पूरे भारतवर्ष में एक ग्रिड देने का जो अनोखा काम किया है, ये दुनिया में पहला है, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। इस बात को मैं आपको बताऊं, कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 12% गांव में बिजली, 12 घंटा लोगों को बिजली मिलती थी, आज जो है 23.5 घंटा बिजली मिल रही है इस देश को। एक बहुत बड़ी इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। इसलिए जहां देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में लाने का काम किया है, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रदय जयराम ठाकुर जी, ये भी गरीब मां बाप के घर से निकले हुए व्यक्ति है, उन्होंने भी इस क्षेत्र में काम करने का काम किया, और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां 24,000 मेगावाट के लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, बिजली का, लेकिन आज 10,000 के लगभग मेगावाट में ही प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें भी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जिसको अपना जितनी जरूरत है उससे सरप्लस बिजली प्रोडक्शन करने में जो है हिमाचल सरकार भी सफल हुई है। और इसमें किन्नौर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि 19 के लगभग किन्नौर में प्रोजेक्ट्स है और 1821 मेगावाट प्रोडक्शन किन्नौर के अंदर हो रहा है, तो मैं सोच रहा था भी नाथपा जागड़ी को नहीं जोड़ा गया इस प्रवीण भाई साहब को, कि वो देख के मुझे लग रहा था ये भी किन्नौर का ही पार्ट है, थोड़ा बहुत उधर जागड़ी का है, लेकिन मेरा अनुरोध है आगे इसको किन्नौर में जोड़े, ये भी हमारे किन्नौर की उपलब्धि है। अगर आप ऐसे नाथपा जागड़ी को बाहर निकालेंगे तो ये लोग भी फिर विकास जागड़ी के अंदर ही करेंगे। इसलिए किन्नौर के अंदर इस प्रोजेक्ट का, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम उस समय सुनते थे, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, आज है कि नहीं मालूम नहीं, उस समय सुनते थे, मैं भावानगर ही पढ़ा हूं। इसलिए आज जो है देश और प्रदेश को किन्नौर ने भी बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आज किन्नौर के अंदर हम कहीं ना कहीं इसमें सैचुरेशन की ओर चले गए हैं, और जहां बिजली महत्वपूर्ण है उसके साथ साथ लोगों की, जनता की समस्या का समाधान करे, उसके लिए समस्या पैदा ना हो, इसको भी हम देख रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जहां हमने देश और प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके साथ साथ सरकारों को किन्नौर की ओर भी देखना पड़ेगा कि किन्नौर को जो है, किन्नौर के लोगों को हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण परेशानी ना हो, इसकी ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिला किन्नौर के अंदर 36,300 कनेक्शन है, और मैं देख रहा था कि श्रदय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से उन्होंने एक बात को महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश के हम बिजली में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को इसका क्या लाभ मिल रहा है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि 125 यूनिट तक आने वाले जुलाई से जो है जीरो बजट हो, जीरो बिल हो गए 125 यूनिट तक। और मैं ऐसे हिसाब से पूछ रहा था, पिछले दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा कि 125 यूनिट से 126 यूनिट आ गया तो क्या होगा, तो ऐसे साहब कह रहे थे कि भाई पूरा बिल आएगा, और कहीं ना कहीं इसलिए लगाया गया है कि राइडर के रूप में लगाया है कि लोगों को भी रहे,
125 यूनिट से ऊपर ना जाए, यदि उससे ऊपर जाएंगे तो पूरा आएगा। सरकार का भी जो है कम से कम नुकसान हो, मुझे लगता है कि दृष्टि से सरकार ने ब्रॉयलर लगाया है। और मुझे यह भी लगता है कि 125 यूनिट आम आदमी के लिए बहुत है, यदि सही उपयोग यदि हम इसका करेंगे। और 25,474 के लगभग लोगों को बेनिफिट किन्नौर के ही इस बार मिला है, इसके लिए भी किन्नौर के लोगों को। इसलिए किन्नौर के अंदर भी पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर, चाहे वो नई लाइनें लगाने की बात हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर लगाने की बात हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर में संवर्धन लाने की बात हो, चाहे अन्य समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से हो, पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर किन्नौर में भी 22 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और किन्नौर में जो समस्या है उसका समाधान करने में हम बहुत सफल हुए। और मुझे याद है कि रेकॉम्पियो के अंदर सब स्टेशन, बोकू के अंदर सब स्टेशन बना, उसके कारण थोड़ा बहुत पूर्व ब्लॉक में समस्या थी, वो समाधान हुआ, क्योंकि पूर्व ब्लॉक में वोल्टेज की बहुत समस्या रहती थी। एक और सब स्टेशन आपा के अंदर बनाया गया, उसके अंदर और अच्छा हुआ है। और अभी 2 और सब स्टेशन सेंक्शन हुए हैं, एक सांगला के अंदर हुआ है और एक चांगो के अंदर हुआ है, उसके कारण और बेहतर हमको सुविधा मिलेगी। और उसके लिए भी 20 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और दूर दराज के हमारे किन्नौर में गांव है, चाहे वो कुलूचरण की बात हो, चाहे वो लंबर की बात हो, चाहे वो निसंग की बात हो, चाहे वो टशीरंग की बात हो, चाहे हम वो चुनिंग की बात हो, इस क्षेत्र के अंदर भी चंद्र ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, हिमूर्जा के माध्यम से, हम लोगों ने सौर ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि बर्फ वाला एरिया है, बर्फ पड़ती है सर्दियों में, उसके लिए जो है हमने फ्री में वहां कनेक्शन देने का काम किया है। बहुत सारे परिवारों को उसमें भी हमारी सरकार ने लाभ देने का काम किया है। इसलिए जहां आज किन्नौर ने प्रोडक्शन के क्षेत्र में देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका पावर सेक्टर में किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सरकार ने जिला किन्नौर के अंदर भी लोगों को सुविधाएं मिले, इसके लिए ना केवल आज लड़ाई इसकी नहीं है कि गांव के लिए कैसे बिजली की व्यवस्था हो, आज तो लड़ाई कंडे की है। और कंडे में भी किसी का बिल्कुल लास्ट में नौकरी है, क्योंकि 4-6 महीने हम वहां रहते हैं, वहां की लड़ाई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पावर जो बिजली विभाग ने जो है हर कंडे तक पहुंचाने का काम किया है, और थोड़े बहुत और कुछ रह गए हैं, उसका भी एक्शन साहब ने भेजा है, अभी बहुत जल्दी वो सेंक्शन होगा, वहां पर भी हमने सुविधा देने का काम किया। और भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के अंदर एक प्राधिकरण बनाया, और जिसके तहत यदि आपको अप्लाई किया है, कई बार जेई आपके 10 चक्कर लगवा देता है, सुनता ही नहीं आपकी बात, इसलिए उन्होंने कानून बनाया। और बलराज जी बता रहे थे अभी एसी साहब कि महीने टाइम दिया हुआ, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन के अंदर ये होगा, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ये पक्का काम भी नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है, ये मैं आपके बीच कह रहा हूं। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो गरीब आदमी है, जो मीटर का पैसा नहीं दे सकता, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर घर में बिजली पहुंचाना है, गरीब होगा, अमीर होगा, दूर दराज में होगा, तो उन्होंने सौभाग्य योजना शुरू किया। और सौभाग्य योजना शुरू किया
और उसके तहत गरीब लोगों को कनेक्शन लेने के लिए फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा। और जिला किन्नौर के अंदर भी उस योजना के तहत 111 लोगों को फ्री में कनेक्शन देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो प्रयास करते रहते हैं कि चाहे केंद्र के अंदर कोई अच्छी योजना बने और उस योजना के कारण प्रदेश में यदि सभी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ परिवार छूट रहे हैं, तो प्रदेश में उसी तरह से वो योजना बनाए और इस क्षेत्र के अंदर भी चाहे वो आयुष्मान भारत और हिम केयर की बात हो। आयुष्मान में कुछ लोग 5 लाख तक कवर नहीं हो रहे थे तो हिम केयर योजना उन्होंने बनाया ताकि सब लोग आए। अब सब लोग आ रहे हैं। उसी तरह से सौभाग्य योजना में जो नहीं आ रहे थे उन्होंने जो है मुख्यमंत्री रोशनी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाया और उसके कारण जो है हजारों की संख्या में प्रदेश में लोगों को लाभ मिला और किन्नौर के अंदर भी 117 लोगों को किन्नौर में भी फ्री में कनेक्शन देने का काम जयराम की सरकार ने किया। इसलिए आज जो है हमारी सरकार समाज के हर क्षेत्र में लोगों को कैसे लाभ पहुंचाए इसकी चिंता कर रही है और उसके साथ साथ बिजली के क्षेत्र में पावर के सेक्टर में जाओ प्रोडक्शन करके पूरे देश के लोगों को लाभ पहुंचाए। लेकिन उसके साथ साथ हम बदले में जनता को क्या दे सकते हैं उस तरह की भी योजनाएं बन रही है और आज यही कारण है 125 यूनिट तक जिला किन्नौर के अंदर जो है या प्रदेश के अंदर सब लोगों को फ्री में बिजली देने का काम जयराम की सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। इस बात को मैं आपके बीच में और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि पिछले 4.5 वर्ष जयराम जी की सरकार के हुए हैं। 18 अक्टूबर को मुझे सरकार ने जिम्मेदारी मिली और लगभग 4 साल भी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उसी तर्ज में जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया कि कैसे योजना और तरीके से क्षेत्र का विकास हो, कैसे योजना और तरीके से डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, दतिया उसी 1947 से चल रहा है लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें चेंजेस की आवश्यकता वक्त के अनुसार है, वो नहीं हुआ। हमने किन्नौर के अंदर भी प्रयास किया कि जिला किन्नौर के हर क्षेत्र की हिसाब से जो जरूरतें हैं उसके अनुसार हम क्षेत्र का विकास करें। और उसी कड़ी में जब मैंने महसूस किया कि जिला किन्नौर के अंदर इतना बड़ा क्षेत्र है, अब गांव को कवर करने का विषय नहीं है, अब तो हम कंडे में पहुंच गए हैं, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन किन्नौर में एक ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड भी आए, मैंने विषय रखा और इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में किन्नौर की जरूरत के अनुसार हमने जो मांग उनके सामने रखा उसको उन्होंने 100% किया है। इस बात को भी मैं आपके बीच में कहूं। और हमने डिमांड किया कि किन्नौर में एक ही डिवीजन है, आईपीएच में 2 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है, इसलिए भावानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो रेजिडेंस की बात हो चाहे ऑफिस की बात हो, गवर्नमेंट का भी खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए हमने भावानगर के लिए रिक्वेस्ट किया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो डिवीजन भी सेंक्शन हो गया है और फंक्शन के लिए ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशन हो गया। और एसी साहब कह रहे थे कि 1 अगस्त से वो शुरू हो जाएगा, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। इसलिए हमारी सरकार चाहे वो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की हो
चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम जी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने एक ईमानदार प्रयास किया है कि जहां देश और प्रदेश आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, गरीब को डायरेक्ट कैसे लाभ दिया जा सके, इस क्षेत्र में भी काम किया है। और उसको विधायक नहीं होने के बावजूद भी किन्नौर में मुझे एक जिम्मेदारी मिली, हमने एक ईमानदार प्रयास किया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हर सेक्टर में हमने परिवर्तन किया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन लाने में हम ये सफल हुए कि 1979 से लेकर आज 2017 तक 37-38 वर्षों के कार्यकाल में किन्नौर में ट्राइबल सब प्लान का पैसा बजट 62.5 करोड़ रुपए, और पिछले 4.5 साल में और कुल मिलाकर 5 बजट के अंदर हमारे कार्यकाल के अंदर हमने उसको बढ़ाकर 140 करोड़ कर दिया, 78 करोड़ रुपए 4.5 साल के अंदर बढ़ा। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं अन्य लोग करते क्या है, अपने घर बनाने में लगे हुए सारे, किन्नौर की जनता की लड़ाई, किन्नौर के लोगों की समस्याओं का समाधान जो करने की जरूरत है, हमारी सरकार ने एक छलांग मारने का काम किया है। और यही कारण है कि आज किन्नौर के, चाहे वो IPS में होगा, PWD में होगा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी गांव के अंदर जाएंगे तो विकास के लिए आज पैसों की आवश्यकता नहीं है। अगर ये हुआ है तो शरद ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हुआ है और सूरत देवी के प्रयासों से हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आज के अवसर पर इतना ही मैं आप लोगों के बीच में विषय रखते हुए, और हम चुनाव के दहलीज में हैं, जहां देश में मोदी जी हर दृष्टि से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिलना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। ईमानदार मुख्यमंत्री जिनका जो है घर में 3-2 बेटियां हैं और धर्मपत्नी है, तीनों डॉक्टर है, और अब खुद भी 5वीं बार विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बने, और संगठन से निकले हुए व्यक्ति है, कोई कमी नहीं है, कोई घर करने का कोई उनका लक्ष्य नहीं है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री बने आज प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम वो कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से आज दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरह की योजनाएं हमने गिनाई, चाहे वो पावर सेक्टर के अंदर हो, चाहे सोशल डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, आज जो है दोबारा हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और किन्नौर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, क्योंकि 4.5 साल एक नई एक दिशा देने का काम विकास की दृष्टि से हमने किया है। वो दिशा जो है विकास की दृष्टि से उसमें रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक किन्नौर से चुनकर भेजना बहुत जरूरी है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपको, मैं 365 दिन काम करने वाला व्यक्ति, घर से पूरी छुट्टी है, घर की चिंता नहीं, और समाज के लिए आज से नहीं 32 साल हो गए, टोटल सरेंडर टू द सोसाइटी, उस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, और उसी दृष्टि से किन्नौर की जनता के लिए समर्पित पूरा समय है। हम किन्नौर को एक नया किन्नौर हम बनाएंगे, और स्वर्गीय ठाकुर से नेगी के सपनों को पूरा करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। इसलिए आप आशीर्वाद पूरा रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इतना ही कहते हुए आज के प्लस पर जो उपलब्धियां हमारी सरकार की रही है वो जनता तक जाए और जनता तक महसूस कराने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन आप सभी ने किया, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।